हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विरद आप लोगों का सिलेक्शन मेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ की जो परीक्षा दी है उसका आपको मैंने जो है आंसर की भी आपको बताया था। 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसका 17 तारीख को आंसर की दिया था। उसके बाद आगे आयोग ने आपको जो पूरा आंसर की थी, ABCD ग्रुप जो थे उस सब के आंसर कीज भी आपको प्रोवाइड कराए, और आशा करता हूं कि आपने उसको डाउनलोड करके अपने आंसर जरूर मैच किए होंगे। और अब आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा होगा कि सर, हमने आंसर मैच किए और मेरे ये आंसर्स आ रहे हैं, इन पर्टिकुलर आंसर्स को देखते हुए क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो अब हमको यहां पर यही बताना है, समझाना है कि कौन से लोग हैं जिनको मेंस की तैयारी के लिए बिल्कुल जुट जाना चाहिए। और ये तभी पता चलेगा जब हमें बीईओ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है उसके बारे में कुछ जानकारी मिले, कुछ लगे कि क्या हो सकता है कट ऑफ जो है वो क्या कट ऑफ दी हो सकता है। आइए इसमें देखते हैं हम लोग कि क्या कट ऑफ हो सकता है। तो बीईओ के कट ऑफ के बारे में जानने से ठीक पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए दे रहा हूं मैं। जो लोग यूपीपीएससी की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सिलेक्शन मेंटर यानी हमारा चैनल आपके लिए कल से यानी 20 अगस्त 2020 से एक स्पेशल सफलता बैच ला रहा है। और इस बैच को पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है, पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े। आपको करना क्या है, आपको इसकी टाइमिंग कैसे पता चलेगी, कब ये बैच शुरू हो रहा है, कैसे इसके बारे में पता चलेगा, तो इसके लिए आपको ये जो नंबर यहां पर दिया है इस पे व्हाट्सएप करना है, अपना नाम और नाम के नीचे लिखना है UPPCS प्रीलिम, ठीक है, 2020। तो आपको UPPCS 2020 लिखना है और अपना नाम लिखना है, और आपको इससे संबंधित लिंक और आगे की जानकारी और इस बैच की टाइमिंग और क्या क्या चीज हम कैसे कैसे इसे पढ़ाएंगे, इन सब चीजों की जानकारी हमको यहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप बगैर जो है बेफिक्र होकर के आप कह सकते हैं कि बिना खौफ के आप तैयारी करिए, और इसमें किसी प्रकार से आपको यहां पर कोई शुल्क नहीं देना है। तो ये तो हो गई स्पेशल बैच के बारे में जानकारी। चलिए बात कर लेते हैं आप कट ऑफ के लिए। कट ऑफ के लिए बात करने से पहले कुछ तथ्यों को ध्यान रखना जरूरी होगा, जिससे कि आप लोग देखिए इस पूरे के पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग बीईओ के लिए स्पेशली अगर जो विद्यार्थी यहां पर देख रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से इसको सुनना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस काफी मतलब मैंने मेहनत करके इसको एनालिसिस जो है तैयार किया आपके लिए, और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला रहा हूं। तो पहले तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ये बताऊं कि ये जो परीक्षा हुई है 16 अगस्त को, इस 16 अगस्त की परीक्षा में जो विद्यार्थी उपस्थित रहे हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 44% या फिर आप कह सकते हैं 44.18% रही है, जिसमें अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये तो आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत अभ्यर्थी थे 5,28,000 के आसपास, लेकिन जो लोग परीक्षा देने गए वो हैं लगभग 2,33,000, यानी कि बहुत ही कम, 50% से भी कम बच्चे जो है उपस्थित हुए हैं। अगर 44% जो है उपस्थित हुए हैं, 56% लोग नहीं आए, 60 आप मान के चलिए कि 50% से ज्यादा, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा आने वाले जो जिला है उसमें एक नाम जो है प्रयागराज का आता है, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन आप देखिए लगभग लगभग 56-57% लोगों ने पेपर ही नहीं दिया है। अच्छा, इसकी वैकेंसी टोटल कितनी थी? वैकेंसी थी टोटल 309 वैकेंसीज थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे हम इसको यहां पर शामिल करेंगे, चर्चा में शामिल करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है। पहले ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी, कि यूपी में जो एग्जाम्स, पिछले कुछ एग्जाम जो हुए हैं, जैसे आप यूपी का वीडियो का एग्जाम ले लीजिए, तो मैं एनालिसिस करने के लिए प्रीवियस एग्जाम्स को मैं यहां उठा रहा हूं जस्ट। आप कहेंगे सर इससे इसका क्या रिलेशन है, 2 मिनट सुन लीजिए, पता चल जाएगा कि वीडियो का जो कट ऑफ आया था वो भी पेपर 300 का हुआ था, और 300 के इस पेपर में अगर हम जनरल के कट ऑफ की बात करें तो लगभग जो है ये 24 मेरे ख्याल से 211 के आसपास कट ऑफ गई थी, ठीक है, 211 के आसपास से कट ऑफ गई थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 70% जो है ये कट ऑफ गई थी। ऐसे ही और भी एग्जाम्स जो हुए हैं, कई सारे एग्जाम्स का मैंने एनालिसिस देखा पिछले 1-2 दिन में, तो मुझे लगता है कि यूपी में लगभग लगभग जो कट ऑफ इस समय जा रही है वो ऑन एन एवरेज 70% कट ऑफ जा रही है, 70%। तो अब बात आती है कि अब आप यहां पर बिल्कुल ऐसे मत सोचिए कि अगर अब यहां पर ऐसे कट ऑफ जा रही है तो फिर यहाँ यूपी के जो बीईओ का एग्जाम हुआ यहां पर भी ऐसी जा रही होगी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है?
क्योंकि बीई और पिछले एग्जाम्स में काफी ज्यादा अंतर यहां पर देखने को मिल रहा है, और वो अंतर विशेष रूप से मुख्य रूप से इस बात का है कि एक तो ये कोरोना काल में हुआ है, दूसरी बात इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 13 है। अच्छा, आप लोगों को शायद मालूम होगा कि आयोग ने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि कितने नंबर जो हैं वो मिनिमम चाहिए, 40 है ना। आपको मार्क्स तो बताए गए थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला जो मार्क्स है वो कितना है, वो 40 है, ठीक है, आपको भी बताया गया पहले भी। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 40% से तो ज्यादा ही जाएगी कट ऑफ, पहले तो यहां पर ये तय हो जाता है। अब दूसरी बात यहां पर ये आती है कि केवल जो परीक्षार्थी पेपर देने आए हैं वो 44% हैं, 44% हैं, पोस्ट जो है वो 309 है, और आयोग जो है इस 309 जो पोस्ट है इसका लगभग 13 गुना जो है वो विद्यार्थियों को सेकेंड फेज में बुलाने की तैयारी करेगा। तो 13 गुना के पास पास हम जाते हैं, तो लगभग 4,000 के आसपास यहाँ पर लोगों को उनके बुलाने की तैयारी है। तो अभी जरा आप देखिए तो उसके हिसाब से भी जो कट ऑफ है इतनी तो ज्यादा वैकेंसी भी नहीं है। इन सब चीजों का एनालिसिस, इन सब चीजों को माइंड में अगर रख करके हम सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जैसे इन सबकी कट ऑफ जा रही है 70 के आसपास, वैसे कट ऑफ तो नहीं जाएगी। अब सबसे बड़ा इसमें गेम है, इसका जो लेवल था बीईओ का, टफनेस लेवल जो था वो बहुत ही, मतलब ये कोई नहीं कह सकता है कि सर ये सरल पेपर था, मुझे नहीं लगता है कोई ये कहेगा कि सर ये सरल पेपर था या ऑन एन एवरेज था, काफी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि एक स्तरीय पेपर था, बहुत ही स्तरीय पेपर था ये। तो निश्चित रूप से ऐसे में कट ऑफ तो आपकी कम जाएगी जाएगी। तो अब इन सब चीजों का एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब देखो, कई सारे बच्चों से भी बात हुई है, कई सारे मैंने मीडिया में भी देखा है और भी लोगों से भी देखी देखी हैं चीजें, मैंने समझी हैं, तो मुझे इतना बात पता चलता है कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि 80 क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने जो अपने एनालिसिस में देखा है कि 80 क्वेश्चन करेक्ट या 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इनकी संख्या कोई 10 से 20% के आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, 10 से 20% ज्यादा नहीं होगी, वो भी 80% अटेम्प्ट करने वालों की। उसमें से भी उनके कुछ गलत हैं, उनसे उनके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, किसी के 10, किसी के 15, 20, 25, जो भी गलत है इसके इसके। ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर किसी के पास में 65 से 70 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, तो मेरी ख्याल से जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाती है तो ये एक बहुत ही अच्छा कट ऑफ के रूप में जाया जा सकता है। क्योंकि पेपर जो है आपका टोटल वो 300 मार्क्स का हुआ है, आपको मालूम है कि पेपर जो है वो 300 मार्क्स का था, 300 मार्क्स में से अगर हम यहां पर एनालिसिस करके लाते हैं तो मेरे अनुसार अगर मुझे लगता है कि जनरल में अगर कट ऑफ देखा जाए तो जनरल में ये लगभग लगभग 150 से 155 के आसपास जो मार्क्स हैं वो एक गुड अटेम्प्ट के रूप में हैं, एक गुड अटेम्प्ट के रूप में है, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी के यहाँ पर गुड स्कोर के रूप में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसा किसी का मार्क्स है, तो आप ऐसे मान के चलिए कि 60%, जहां तक मैं जनरल के लिए बात करता हूं, 60% से 65% के आसपास ही कट ऑफ जानी चाहिए। और ये भी मुझे कुछ ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी 60% से 65%, यानी किसी के मार्क्स अगर टोटल में 150 के नियर बाई हैं, इवन अगर किसी के 140 के नियर बाई भी हैं, तो वो तैयारी कर सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि वो सेकेंड फेज के लिए बिल्कुल तैयार हो सकता है, अपने आप को तैयार कर सकता है, अगर उसके इस तरीके के मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चित रूप से, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरीज हैं, ओबीसी है, एससी, ओबीसी और जनरल में तो कोई खास डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर देखिए ओबीसी है, एससी, ST, PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आप अपने जो है एक एक दो दो मार्क्स, चार चार पांच पांच मार्क्स घटा बढ़ा करके आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जिन लोगों के यहां पर इस तरीके के स्कोरिंग है, इस तरीके के मार्क्स है, तो वो तो निश्चिंत होकर के मेरी ख्याल से सेकेंड फेज की तैयारी उन्हें करनी चाहिए। हालांकि प्रॉपर तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उसके बाद बहुत कम समय बचेगा तैयारी करने के लिए। सेकंड फेज की तैयारी अगर आपको करनी है और आपके मार्क्स कुछ इस तरीके के हैं, इससे 4-5 नंबर कम या ज्यादा हैं, कम हैं, ज्यादा तो जिसके होंगे तो करेगा ही करेगा, अगर 4-5 नंबर कम भी हैं तो भी मेरी ख्याल से उसे तैयारी करने में जुट जाना चाहिए। तो ये एनालिसिस मेरा है, मेरा मानना है कि इस तरीके का एनालिसिस रहा होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे कोई भी जानकारी मिलेगी, कोई भी इस तरीके की सूचना मिलेगी बीईओ से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, तो मैं उसे फिर अपडेट कर दूंगा। वो अपडेशन आप तक पहुंचेगा कैसे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के साथ अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो आप इसे लाइक जरूर करिए। कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार की क्वेरी करना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करिए, या फिर 8953535359568 इस नंबर पर आप मुझे
पर्सनली मैसेज करके भी, व्हाट्सएप करके भी मुझसे आप पूछ सकते हैं। इस पे व्हाट्सएप भी करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आना ना भूलिएगा कल के इस बैच में, और साथ ही साथ बीओ की तैयारी तो आपकी चलेगी चलेगी। यूपीएससी प्रीलिम के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जिन लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल बैच है। साथ ही साथ जो लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ 2016 जिसका पेपर दोबारा से होना था, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बैच ही हो सकता है कंबाइंड लेकर देखा जाए। तो आशा करेंगे कि आप सब लोग यहां पर ज्वाइन करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।